जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टॉक यात्रा विद विशाल में आप सभी का स्वागत है। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के ऊपर जिसमें देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम से हमको अच्छी खासी उस स्टॉक में रैली देखने को मिल रही है, जिस वजह से हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर है वो उस कंपनी को यहाँ पे बाय करने की सोच रहे हैं। लेकिन उनका कन्फ्यूजन ये है दोस्तों कि वो ये भी जानना चाहते हैं कि जिस कंपनी को हम बाय करना चाह रहे हैं क्या वो कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग है या नहीं, या फिर उनके मन में जो दूसरा सवाल यह आ रहा है कि क्या ये कंपनी आने वाले समय में हमको अच्छा खासा रिटर्न्स दे सकता है या नहीं। सो इस वीडियो में हम इनके इन्हीं सवालों का यहाँ पे जवाब देने वाले हैं। सो जिस स्टॉक के वहाँ पर हम बातें कर रहे हैं उस स्टॉक का नाम है दोस्तों लक्ष्मी ऑर्गेनिक, जो कि एक केमिकल सेक्टर से आने वाली कंपनी यहाँ पे हमको देखने को मिल जाती है। स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में ये कंपनी आती है। सो इस कंपनी का यहाँ पर हम फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। एंड दोस्तों आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि ये जो कंपनी है लक्ष्मी ऑर्गेनिक वो अभी अभी आते हुए ही हमको देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी इनका IPO यहाँ पे हमको आते हुए देखने को मिला था, ये हाल ही में अभी लिस्ट होते हुए हमको देखने को मिल गई है। सो यहाँ पर हम अपनी कंपनी के ऊपर हैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ देखने को मिला कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एंड सबसे बड़ी बात हम जैसा मैंने आपको बोला कि ये कंपनी अभी हाल ही में आते हुए देखने को हमको मिल रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेट ऑफ लिस्टिंग NSE 25 मार्च 2021 को ये कंपनी लिस्ट होते हुए हमको देखने को मिल रही है। इसकी फेस वैल्यू की बात करें तो 2 रुपये आपको इसको इनका फेस वैल्यू भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह एक केमिकल सेक्टर में आने वाली कंपनी देखने को मिलती है, जो कि देख सकते हैं कि केमिकल में आती है लेकिन स्पेशलिटी केमिकल्स में ये कंपनी हमको आते हुए यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड उसी के साथ साथ तो आप देख सकते हैं कि 52 एक हाई भी यहाँ एंड लो भी आप देख सकते 239.90 एंड लो 143.25 आपको यहाँ पे देखने को मिला है। तो जैसा कि आपने देखा कि ये कंपनी 25 मार्च 2021 से ही आते हुए देखने को मिली, तो यहाँ पे जो डेटा होता है दोस्तों कंपनी का वो हमको बहुत ही कम देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी अपनी बहुत ज़्यादा डिटेल्स देखने को हमको नहीं मिलती है, जिस वजह से हम थोड़ा इनका फंडामेंटल एनालिसिस करने में हमको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सो कुछ जगहों से मैंने यहाँ इस कंपनी के बारे में पता किया है जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, एंड उस बेस पे ही मैं आपको बताऊंगा कि क्या हमारी कंपनी अच्छी है या नहीं अच्छी है, या क्या हम इस कंपनी में फ्रेश बाय कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर हम कंपनी के बिजनेस के ऊपर आ गए एंड देखेंगे कि हमारी कंपनी कौन से केमिकल्स में यहाँ पे काम करती है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि ये कंपनी हमको 1989 से आपको देखने को मिल रही है, मतलब ये कंपनी का जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी पुराना हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर लिस्टिंग की बात करें NSE पे तो अभी हाल ही में हमको लिस्ट होते हुए देखने को मिली है। उसी के साथ साथ अगर हम अपनी कंपनी की बात करें तो आप देख सकते कि ये दो तरह के यहाँ पे केमिकल्स पर काम मैन्युफैक्चर करते हुए हमको देखने को मिलती है। पहला है एसेंशियल इंटरमीडिएट्स एंड दूसरा है स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसको AI और SI शॉर्ट फॉर्म में हम यहाँ पे बोलते हैं। उसी के साथ साथ हम आप ये भी देख सकते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो आप देख सकते हैं कि 30% दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि इथियल एसीटेट जो है पूरे इंडिया में अगर बातें करें इथियल एसीटेट का, जिसका 30% अकेले हमारी कंपनी यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हुए देखने को मिल जाती है। एंड बाकी जो 70% है उसमें बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ पे आती हुई देखने को मिली। तो इथियल एसीटेट से हम मतलब इथियल एसीटेट की अगर बातें करें तो 30% ये कंपनी अपने इंडिया को यहाँ पे कवर करते हुए हमको देखने को मिल जाती है। उसी के साथ साथ अगर आप देखें तो हमारी एक ऐसी हमारी कंपनी ही सिर्फ आप देख सकते हैं कि जो डाइकिन डेरिवेटिव्स है उसको मैन्युफैक्चर करते हुए देखने को मिल जाते हैं, जो कि ये एक लौती कंपनी है जो इस डाइकिन डेरिवेटिव्स को यहाँ पे मैन्युफैक्चर करती है। इनके अलावा और कोई भी यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिलते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप देखा जाए तो हमारी कंपनी जो प्रोडक्ट्स पे काम करती है दोस्तों, अगर उनके यूजेस देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो अक्षर थोड़ा छोटे देखने को मिलेंगे दोस्तों, लेकिन यहाँ पे अगर आप मेरी बातों को पे भी रहेंगे तो भी आपको अच्छे से मालूम चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इनका जो प्रोडक्ट हमारे कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो फार्मास्यूटिकल्स
डाइस एंड पिगमेंट्स, पेंट, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग इट्स यहाँ पे हमको देखने को मिल जाती है। तो इन सभी चीज़ों में हमारी कंपनी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्रोकेमिकल्स भी है दोस्तों, एग्रोकेमिकल्स में भी इनका हमारे प्रोडक्ट, इनके प्रोडक्ट यूज होते हुए देखने को मिलते हैं। इन कैंस इंक एंड कोटिंग में भी इन हमारी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो हमको यूज होते हुए देखने को मिल जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि कुछ ऐसी कंपनियों का नाम हमारी कंपनी ने यहाँ पे बताया है कि हम किन किन कंपनियों को यहाँ पे अपने जो प्रोडक्ट है उनको देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लॉरास लैब आप देखने को मिल रहा है, लॉरास लैब लिमिटेड। उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। उसी के साथ साथ अगर आप आगे जाएंगे तो आप देखिए ग्रैनुलस इंडिया लिमिटेड, हीरोज लैब लिमिटेड, ह्यूबिक कलर प्राइवेट लिमिटेड। उसी के साथ साथ और भी यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारी कंपनियों को यहाँ पे इन्होंने नाम दिया है जो कि इनके प्रोडक्ट्स को यहाँ पे यूज करते हुए हमको देखने को, मतलब हमारी कंपनी के ये कस्टमर आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो देखा जाए तो उसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो 30 कंट्रियों में भी, अलग अलग कंट्रियों में भी यहाँ पे काम करते हुए हमको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अक्षर को थोड़ा यहाँ पे बड़ा भी कर दिया है। तो 30 ऐसे देश है जिसमें हमारी कंपनी यहाँ पे काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं, मतलब कस्टमर भी वहाँ पे इनके देखने को हमको मिल जाते हैं। सो अब हम यहाँ पर हम कंपनी के बैलेंस शीट पर आ गए हैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो कंपनी का रिजर्व है वो पहले 369, फिर 405 एंड अभी की बात करें तो 396 करोड़ का रिजर्व यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। कर्जे की भी बात करें लॉन्ग टर्म में आप देख सकते हैं 53 करोड़, 74 करोड़ एंड 90 करोड़ का कर्जा अभी प्रेजेंट टाइम में हमको देखने को मिले। तो कर्जा देख सकते हैं कि बढ़ते हुए ही हमको देखने को मिल रही है। शॉर्ट टर्म कर्जे की बात करें तो शॉर्ट टर्म में आप देख सकते पहले 118, फिर 34 एंड अभी की बात करें तो 16। तो यहाँ पर देख सकते हैं शॉर्ट टर्म में कर्जा जो है वो घटते हुए हमको देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ अगर हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंस की यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि पहले 7 करोड़, फिर 44 करोड़, फिर अभी बात करें तो लगभग 84 करोड़ के आसपास यहाँ पे हमको कैश देखने को मिला, जो भी कि हमको बढ़ते हुए ही देखने को मिल रही है। सो कंपनी का मार्केट कैप की अगर बात करें तो 6000 करोड़ यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो उस हिसाब से कंपनी के बैलेंस शीट की अगर बातें करें तो कंपनी का जो बैलेंस शीट हमने देखा अभी वो हमको यहाँ पे ठीक देखने को मिला, यानी कि हम यहाँ पे इस कंपनी के बैलेंस शीट को ओके बोल करके यहाँ पे हम चल सकते हैं। इनका बैलेंस शीट तो यहाँ पे हमने ठीक ही देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर हम अब मेन पार्ट पर आ गए कि कंपनी जो अपना बिजनेस करती है उससे कितना प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट करते हुए हमको देखने को मिले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2018, 19 एंड 20 का डाटा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एंड ये 6 महीने का डाटा, तो इसको यहाँ पे हम कट करके चलेंगे। तो सबसे पहले एसेट्स देखें तो एसेट्स आप देख सकते हैं कि बढ़ते हुए हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है एंड यहाँ पे जो भी बातें हो रही हैं वो रुपीज इन मिलियंस में होते हुए हमको देखने को मिलेंगी। सो रेवेन्यू की अगर बातें करें तो रेवेन्यू भी देख सकते हैं 13960, 15743 एंड अभी की बातें करें तो 15386। तो 19 और 20 का जो रेवेन्यू है वो हम देख सकते हैं कि सेम एसेट्स भी हमको उसी टाइप का होते हुए ही देखने को मिला, जैसा कि रेवेन्यू हमको देखने को मिला है। एंड अब आते हैं प्रॉफिट पर। प्रॉफिट देखें तो पहले 18 में 756 करोड़ का मिलियंस का प्रॉफिट था, फिर उसके बाद घट करके 723 एंड अभी की बात करें तो 702 मिलियंस का यहाँ पर प्रॉफिट हमको देखने को मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं प्रॉफिट जो है वो घटते हुए ही हमको देखने को मिल रही है, जो कि अच्छी बात यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो कम से कम यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो हमको प्लस में ही देखने को मिल रही है, जो जिस वजह से हम इनके यहाँ पे जो रेवेन्यू है उसको भी हम यहाँ पे ओके बोल करके आगे चल सकते हैं। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की अगर यहाँ पर हम बातें करें तो आप देख सकते हैं कि शेयर होल्डिंग जो प्रमोटर्स हैं वो करीब 73% की होल्डिंग इस कंपनी में रख रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी के प्रमोटर्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा होल्डिंग अपने पास ही यहाँ पे रखते हुए हमको देखने को। पब्लिक की बात करें तो 27% पब्लिक भी इस कंपनी में यहाँ पे होल्डिंग करते हुए हमको देखने को मिल रही है। सो अब हम आ जाते हैं दोस्तों डिस्कशन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी हमने पैरामीटर्स इस कंपनी को हमको देखने को मिले, जो कि हमको सभी के कह सकते हैं कि हमको ठीक देखने को मिल रहे हैं। तो यानी हम इस कंपनी को फंडामेंटल्स बोल सकते हैं कि कंपनी एक फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ मैंने आपको बताया कि कंपनी 6000 करोड़ की यहाँ पे मार्केट कैप इनका यहाँ पे देखने को मिलता है, तो एक छोटी कंपनी हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है। उस हिसाब से इनके सारे फंडामेंटल्स हमको यहाँ पे ठीक ही देखने को मिले हैं, उसमें कोई भी दो राय नहीं है दोस्तों।
लेकिन अब हम आ जाते हैं यहाँ पे बाय करने से रिलेटेड क्वेश्चन के ऊपर। सो दोस्तों, आप अगर इस कंपनी को बाय करना ही चाहते हैं, तो अगर आप अभी तक इस कंपनी को बाय नहीं किए हैं तो आपको एक दिन और रुक जाना चाहिए। दोस्तों आज की तारीख की बात करें तो 24 एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो कंपनी लक्ष्मी ऑर्गेनिक, उसका रिजल्ट एंड डिविडेंड, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे कल आते हुए हमको देखने को मिलने वाली है। 25 मई 2021 यहाँ पे आपको देखने को मिला है, तो कल इनका रिजल्ट आएगा एंड वहाँ पे आप इनका रिजल्ट देखिएगा। वहाँ पे रिजल्ट अगर इनका ठीक हो, डिविडेंड दे या ना दे दोस्तों, उसको तो किनारे कर दीजिएगा। अगर रिजल्ट आपको यहाँ पे अच्छा देखने को मिलेगा सो आप इस कंपनी को वहाँ पे आराम से बाय कर लीजिएगा। ये कंपनी आपको फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे दे सकती है, उसमें कोई भी राय नहीं है। क्योंकि अगर केमिकल सेक्टर के किसी भी कंपनी को देखें दोस्तों, तो वो अच्छे खासे रिटर्न्स ही यहाँ पे हमको देते हुए देखने को मिल जाएंगे, जो कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक भी यहाँ पे अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पे आपको आगे चल के दे देंगे। तो अब वो जो लास्ट चीज़ रह गया दोस्तों, वो है रिटर्न। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी जब से आई है, मतलब मार्च 26 से ही कंपनी आते हुए देखने को मिल रही है। मार्च 26, 21 एंड 24 मई यहाँ पे आज का डेट है, तो आप देख सकते हैं करीब 28% का यहाँ पे रिटर्न्स इस कंपनी ने दे दिया, जो कि एक अच्छी बात है। मार्च में कंपनी आई तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब 3 महीने में 28% का रिटर्न्स बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है। सो ओवरऑल दोस्तों हम कह सकते हैं कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक एक अच्छी कंपनी यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है। कल इनका रिजल्ट है, जिसको देख करके आप चाहे तो इस कंपनी को आराम से बाय कर सकते हैं अगर रिजल्ट अच्छा आया तो। डिविडेंड भी यहाँ पे देने की बात कही दोस्तों, अगर डिविडेंड नहीं भी मिलता है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन रिजल्ट देखना बहुत ही जरूरी है। एंड रिजल्ट अच्छा आया तो आराम से आप इस कंपनी को बाय कीजिएगा, बेझिझक बाय कीजिएगा एंड अच्छे खासे रिटर्न से कंपनी आपको फ्यूचर में दे सकती है। सो आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।